रिएक्शन देख ही रहे हैं किस तरह से बीते कुछ दिनों में सीबीआई में हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है। छुट्टी पर भेजे गए डायरेक्टर आलोक वर्मा के घर के बाहर चार संदिग्धों को हिरासत में लिया गया और सूत्र ये बता रहे हैं कि ये संदिग्ध इंटेलिजेंस ब्यूरो के हैं। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के भीतर वर्चस्व की लड़ाई और उसी कड़ी में चार संदिग्धों के हिरासत से ये साफ दिखने लगा है कि ये जंग कितनी तल्ख और तेज हो गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि घर के बाहर पकड़े गए ये चार संदिग्ध कौन हैं? वाकई आलोक वर्मा पर क्या निगरानी रखी जा रही है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या सीबीआई डायरेक्टर की जासूसी कराई जा रही है? इन तमाम एंगल से जांच हो रही है, पड़ताल की जा रही है और इन चार संदिग्धों से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता चिराग गोठी इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। चिराग, क्या अभी तक किसी तरह का कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन दिल्ली पुलिस की तरफ से या किस तरह से तहकीकात हो रही है? देखिए, जहां मैं मौजूद हूं ये आलोक वर्मा का घर है और इसके बिल्कुल थोड़ी सी आगे जाएं तो आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो का दफ्तर है। हालांकि एक बात ये भी कही जा रही है कि यहां पर रूटीन जो है वो चेकिंग हो रही थी और आईबी के अधिकारी यहां पर आते हैं, चूंकि यहां पर 10 जनपद पर सोनिया गांधी रहती है और तमाम वीवीआईपी यहां पर रहते हैं। मनमोहन सिंह का भी घर बिल्कुल पास ही है, तो ऐसे में क्या वाकई यही बात है या कोई और बात है? लेकिन जिस तरह से सुबह के वक्त 7:30 बजे के आसपास आईबी के अधिकारी यहां पर मौजूद होते हैं, ऐसे में जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की जाती है और वो यहां स्कफल करने लगते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात कहीं ना कहीं संदिग्ध लग रही है और इसी बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अब दिल्ली पुलिस की जो सिक्योरिटी विंग है वो जो है इसमें कूद पड़ी है और वो जांच कर रही है पूरे मामले की, क्योंकि लोकल पुलिस का मामला अभी बन नहीं रहा है। फिलहाल कई एंगल्स पे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जो आईबी के कार्ड्स मिले उनके पास मोबाइल फोन 3 मिले हैं, साथ साथ इस मामले में जो सबसे अहम है उनके पास से जो जब उनसे पूछताछ की गई तमाम सवाल पूछे गए कि वो यहाँ क्या कर रहे थे, कितने बजे गाड़ी लेकर आए। यहाँ जब उनसे पूछताछ करनी चाहिए तो आईबी के अगर अधिकारी हैं तो वो तो नॉर्मली अपना कार्ड दिखाते हैं और वो जा सकते हैं और उनको कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है चिराग, आपके पास लौटेंगे, तमाम जानकारी आपसे लेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। जासूसी के जो आरोप लगाए जा रहे थे उस पर आईबी ने अब सफाई दी है। उनका ये कहना है गृह मंत्रालय का कि आईबी इस तरह से कई बार ग्राउंड पर पेट्रोलिंग करता है, इस तरह से उनकी ड्यूटी लगाई जाती है, इसलिए जो चार संदिग्ध पकड़े गए हैं उसमें कुछ भी गलत नहीं है। सख्त सुरक्षा वाले इलाकों में भी आईबी की तैनाती की जाती है, ये गृह मंत्रालय की ओर से साफ किया गया है। कई बार इस तरह से ग्राउंड पर पेट्रोलिंग द्वारा जानकारी ली जाती है, हम हालात देखेंगे और फिर जवाब देंगे। आपको बता दें ये उस मामले में गृह मंत्रालय का जवाब आया जिसमें चार संदिग्ध आलोक वर्मा के घर के बाहर पकड़े गए थे। ये आईबी के अधिकारी अब तक बताए जा रहे हैं, क्योंकि जो आईबी कार्ड और इनके पास से कागजात बरामद हुए हैं उससे ये मालूम चलता है कि ये आईबी से किसी ना किसी तरह से जुड़े हुए हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।